हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो जो है रिक्रिएशन वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो है शेयर करने वाली हूँ स्मिता दी के जो ब्यूटी चैनल है उसमें से उनका ये वाला लुक जो कि गणेश चतुर्थी का लुक है। गाइस, मैं बताना चाहूँगी, मैं उन्हें हमेशा जो है फॉलो करती हूँ, वो बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो मुझे ये उनका लुक बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना गणेश चतुर्थी के मौके पर मैं भी इस लुक को जो है रिक्रिएट करूं। तो गाइस, मैं यहाँ पर बस कोशिश की है मैंने उनकी तरह मेकअप करने का, और उन्होंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जो भी ज्वेलरी यूज़ की है मेरे पास नहीं थी, तो जो भी मेरे पास अवेलेबल था वो यूज़ करके जो है मैंने इसे रिक्रिएट किया है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हियर। सो गाइज, यहाँ पर जो है मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और अपनी स्किन केयर जो है वो कर ली है। देन यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ द प्रोफेशनल प्राइमर, जो कि जेल बेस्ड प्राइमर है। उन्होंने भी जो है जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। अब इसे अच्छे से मैं अपने फेस में अप्लाई करूँगी इस तरीके से डैप करते हुए। देन यूज़ करी हूँ फाउंडेशन के लिए ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। तो इस तरीके से डॉट के फॉर्म में इसे अप्लाई करके एक स्पंज की हेल्प से, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अपने नेक पर भी, अपनी आईज़ पर भी इस तरीके से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के लिए जो है अच्छा खासा टाइम दिया है मैंने इसे ब्लेंड करने के लिए। अब सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ। तो मैंने ADS की आईब्रो पेंसिल ली है, यहाँ पर ब्लैक आईब्रो पेंसिल। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट का जो है कंसीलर। मैं इससे जो है अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी और अपनी पूरी आईलिड में भी जो है इसे एज अ बेस अपनी आईज़ के लिए इसे यूज़ करूँगी। अपने आईब्रोज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, शार्प करूँगी इस तरीके से। इसे भी डैम्प स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से अब मैं जो है अपने फेस को कॉन्टूर करूँगी। उसके लिए NYX की जो ये वंडर स्टिक है नेक्स की, उसमें से डार्क शेड जो है वो यूज़ करी हूँ कॉन्टूरिंग के लिए। ये आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से अब इसे भी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर के जो भी हमने क्रीम चीज़ें यूज़ की हैं उसे सेट कर लूँगी। अब थोड़ा सा पाउडर कंटूर यूज़ करी हूँ, तो मैं यहाँ पर मेबेलिन का ये मास्टर ब्रॉन्जर किट ले रही हूँ, उसमें से अपने फेस को जो है थोड़ा सा ब्रॉन्ज करूँगी और कंटूर करूँगी। देन आई एम यूजिंग ब्लश पैलेट, मिनरल ब्लश पैलेट, उसमें से ये पिंक शेड अपने फेस को जो है ब्लश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नेवला सोल ब्लूमिंग का आई शेडो पैलेट, जैसा कि उन्होंने यूज़ किया था, बहुत ही लाइट आई शेडो लगाया था उन्होंने और बहुत ही सिंपल सा। तो मैं भी यहाँ पर यह लाइट शेड ले रही हूँ, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी। तो ये लाइट शेड मैं यूज़ कर रही हूँ अपने इस तरीके से क्रीज़ को फिल करने के लिए एज अ ट्रांजिशन शेड इस तरीके से हल्का सा, जो कि बहुत ही लाइट है। उसके बाद ये आप देख सकते हो ये ब्राउन सा कलर जो है आई शेडो वो मैंने पिक किया है एक स्मॉल फ्लिपी ब्रश की हेल्प से। उसे भी अच्छे से जो है अपनी पूरी लिड पर मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद मैं ये थोड़ा सा जो है ये आप देख सकते हो शिमरी पिंक शेड जो है मैं ले रही हूँ
अपनी जो इनर लिड है बस उसे हल्का सा हाईलाइट करने के लिए, ताकि थोड़ा सा जो है शाइनी दिखे आईज में, जो कि लुक बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद ये डार्क शेड से थोड़ा सा डार्क ले करके जो मैं अपनी आईज को इस तरीके से हल्का सा, जो कि अच्छा लुक देगा, वी कॉर्नर जो है हमारा आईज का, वहाँ पर इस तरीके से ब्लेंड करूँगी थोड़ा सा डार्क शेड लेकर के। मैंने आईलाइनर के लिए यूज़ किया है लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर। अब मैं काजल लगाऊंगी। तो गाइज यहाँ पर उन्होंने भी जो है इसी वे में अपना मेकअप कंप्लीट किया था, तो बस मैंने भी बस उसी वे को जो है फॉलो किया है। अब हल्का सा ये ब्राउन शेड लेकर के अपनी आईज़ को थोड़ा सा इस तरीके से लोअर लैश लाइन में इस तरीके से स्पंज करूँगी, ये आप देख सकते हो। देन मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कोलोसॉल मस्कारा। आई लैशेस के लिए मैं यूज़ करी हूँ यहाँ पर रेड चेरी आई लैशेस। अब हम बढ़ते हैं हाइलाइटर की तरफ, तो मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ रेवोल्यूशन का विविध बेक्ड हाइलाइटर, जो कि बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसे मैंने जो है purple.com से मंगाया था, जो कि बहुत ही पसंद है मुझे। तो इस तरीके से देन यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये रेड एडिशन में से ये रेड शेड। अब थोड़ा सा अपने लिप्स को जो है हाईलाइट करने के लिए मैंने सेम हाईलाइटर को लेकर के अपने, आप देख सकते हो सेंटर में जो है हाईलाइटर लगाया है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देगा, आप देखोगे। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक आफ्टर वेयरिंग ऑल ज्वेलरीज एंड ये नथ और बिंदी लगाने के बाद। तो उन्होंने जो है एक गोल बिंदी लगाई हुई थी, तो मैंने भी अभी इसे ट्राई किया। देन उसके बाद मैंने ट्राई किया था ये इस तरीके की महाराष्ट्रियन बिंदी, जो कि बहुत अच्छा लुक दे रही थी। गाइज मुझे भी ये लुक जो है बहुत पसंद आया। तो गाइज बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा लुक पसंद आया। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है, मैंने उनके जैसे थोड़ा भी रिक्रिएशन किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत 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 मायने रखता है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।